जय श्री राम। मैं हूँ पवन यादव अयोध्या से। तो अभी हम हैं दर्शन नगर के सूर्य कुंड के पास। जो सूर्य कुंड का रीडेवलपमेंट हो रहा है, आप जानते हैं कि ये ऐतिहासिक कुंड है। अयोध्या में बहुत सारे ऐतिहासिक कुंड है, उसमें से एक ये भी है सूर्य कुंड। तो इसका बहुत भव्य डेवलपमेंट हो रहा है। तो अभी हम हैं इधर अम्बेडकर नगर रोड, हमारे पीछे देखेंगे अम्बेडकर नगर रोड है और उसके बाद ये सूर्य कुंड आपको दिखता है। तो इसके मुख्य चार गेट बनाए गए हैं, मुख्य चार गेट ये अम्बेडकर नगर वाली रोड का है। तो चलिए आज हम पूरा आपको दिखाते हैं, नाइट व्यू भी आपको दिखाते हैं, बहुत ही अमेजिंग ये कुंड। तो आप देखेंगे इसकी खूबसूरती कितनी प्यारी लग रही है देखने में। और जब ये पूरा यहाँ पे सूर्य बना हुआ है बट इसको ढका गया है अभी। और देखेंगे ये गेट, फ्रंट गेट इसका, आप देखेंगे कितना अच्छा व्यू आता है ये। और आप ये देख रहे हैं ये लाइटिंग लगी हुई है, ऐसे पूरे कुंड में लाइट का सुविधा दिया गया है देखने में, और कितना अच्छा लगता है ये भव्य। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे पेड़ वगैरह है, यहाँ पे गार्डनिंग छोटी सी मतलब प्लांटिंग की गई है, उसके बाद ये गेट दिखता है। उसके बाद इधर आप देखेंगे तो कितनी अच्छे से साफ़ सफाई की गई है। तो आपको इधर साइड चल के दिखाते हैं, इसका आउटर जो बाउंड्री है कितनी खूबसूरत लगती है देखने में। आप देखेंगे जो सूर्य का प्रतीक रहता है वो इसमें बनाया गया है पूरे चारों तरफ से आउटर बाउंड्री में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये जो चक्र जैसा होता है, इसको रथ का पहिया भी साथ बोल सकते हैं। तो देखिएगा बहुत ही अच्छी इसकी डिज़ाइन की गई है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो कुछ इसी तरीके से पूरा सूर्य कुंड का डेवलपमेंट हो गया भी है, तो 99% तो हो चुका है। आप देखेंगे ऐसे बाउंड्री में, ऐसे चारों तरफ से जो बाउंड्री रहेगी सब में ये बनाया गया है। तो चलिए इसके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, और आज नाइट व्यू भी आपको दिखाते हैं, तो बने रहिएगा। और ये है अम्बेडकर नगर रोड जो देवकाली बाईपास अयोध्या को जाती है, और ये गोसाईगंज और अम्बेडकर नगर जाती है। तो चलते हैं इसके अंदर और आपको दिखाते हैं। तो इसमें जो पत्थर का यूज़ किया गया है बहुत ही अच्छा, और आई थिंक शायद राजस्थान से ही आता हो। और इसमें फ्लावरिंग की काम किया गया है, बहुत देखने में बहुत अच्छा लगता है। फिर एंट्री करते हैं अंदर को सूर्य कुंड के, तो कुछ इस तरीके से व्यू मिलेगा आपको कुंड के अंदर में। यहाँ से आप देखेंगे और कुंड उधर है, और आगे चल के और भी दिखाते हैं, और भी डेवलपमेंट हो रहा है इस साइड। देखेंगे यहाँ पर कुछ बनाया गया है, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर प्लांटिंग की गई है फ्लावर की इस साइड में। तो इधर फ्लावरिंग की गई है और इधर कुछ बनाया गया है, शायद यात्रियों के लिए कुछ बनाया गया होगा। और हर जगह पानी की भी सुविधा दी गई है, और इस साइड वॉशरूम वगैरह बनाया गया है, बहुत ही ऐतिहासिक जैसा बनाया गया है। और उधर भी कुछ सरकारी भवन वगैरह तैयार हो रहे हैं। और चलते हैं आगे और भी आपको दिखाते हैं, वो मेन मंदिर है सूर्य कुंड का, जहाँ पर सूर्यदेव जी हैं, और अभी सनसेट हो रहा है, तो वो भी हम आपको दिखाएँगे। देखने में कितनी खूबसूरत लग रहा है ये व्यू। और तो ये कुंड अंदर से कुछ इस तरीके से अभी देखने में लग रहा है, और प्लांटिंग इधर भी पूरा गार्डनिंग की गई है इस साइड में हमारे पीछे। और भी आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पर देखेंगे इस साइड तो कुछ इस तरीके से रास्ता बनाया गया है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर पत्थरों से बहुत अच्छे से रास्ता बनाया गया है इस साइड में, और बीच बीच में गार्डनिंग की गई है, और देखने में खूबसूरत लगता है। और ये पीपल का पेड़ है जो कि बहुत ही पुराना है, पीपल का पेड़ है इस साइड। और चलते हैं मंदिर की तरफ और आपको और भी दिखाते हैं, और नाइट व्यू आपको दिखाते हैं। पूरा लैंपिंग का इसमें काम किया गया है, पुट्टी वगैरह लगता है उसका काम हो रहा है, और जाली भी लग गई है इसके किनारे किनारे, हर जगह आपको जाली दिख जाएगी। इस साइड में भी पूरा जाली लगा हुआ है। और ये कुंड है सूर्य कुंड, और रात में यहाँ पर लाइटिंग भी जलता है, बहुत अच्छा लाइट की मतलब अरेंजमेंट की गई है। उस साइड जितने भी आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं वहाँ पर लाइट जलता है, और किस तरीके जलता है, क्या LED लगी है वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं खड़ा हूँ उस साइड भी LED लगा हुआ है। तो आपको इस साइड दिखाते हैं, तो इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइट का काम किया गया है। आप देख रहे हैं जो ये वाइट आप देख रहे हैं, ये लाइट है कि लाइट करके है,
तो इसी तरीके से पूरा अरेंजमेंट किया गया है इस साइड में। और उसके बाद इधर जितने भी आपको स्टेयर दिख रहे होंगे वो सब में लाइट लगा हुआ है, तो नाइट का व्यू आपको हम पूरा दिखाएंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए गाइस, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और इवनिंग टाइम का रिफ्लेक्शन देखिए पानी में कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी अच्छी सीनरी बन के आ रही है। और इस साइड आप देखेंगे ये जाली लगाई गई है, पत्थर को काट के बहुत ही खूबसूरती से ये बनाया गया है और देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो इधर आप देखेंगे यहाँ पर सूर्य देवता की मूर्ति बन इधर मंदिर है और यहाँ पे मंदिर का फिर से रीडेवलपमेंट हो रहा है, बट इस मंदिर को और भी भव्य बनाना चाहिए। जिस हिसाब से कुंड का डेवलपमेंट हुआ है उस हिसाब से मंदिर को बड़ा बनाना चाहिए, क्योंकि कई व्यूअर हमारे कह भी रहते हैं कि मंदिर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, देखने में काफ़ी अच्छा लगता, क्योंकि कुंड के हिसाब से मंदिर बहुत ही छोटा दिख रहा है और इसको थोड़ा भव्यता के साथ और ऊँचा बनाना चाहिए था, समथिंग इतना होना चाहिए था। और ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर है ये दोनों, तो मेन मंदिर यही है, आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। वहाँ शनि देव का मंदिर है और भोले शंकर जी का है। तो नाइट व्यू आपको हम दिखाते हैं जो यहाँ का रहेगा, देखने में काफ़ी खूबसूरत। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर फाउंटेन का देखिए सुविधा मतलब बनाया जा रहा है इस साइड में, तो थोड़ा मैं जूम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो इधर आप देखेंगे कुंड के बीचों बीच में फाउंटेन बनाया जा रहा है, फुहारा बनाया जा रहा है एक और दो, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और लाइट भी पूरा किनारे किनारे लगाया गया है, और जब ये पूरा ऑल ओवर ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा ये कुंड, तब आप देखिएगा इसकी खूबसूरती। तो आप ज़रूर आ सकते हैं, मैं एड्रेस भी आपको बता दे रहा हूँ। तो अगर आप सूर्य कुंड आना चाहते हैं तो आप दर्शन नगर रेलवे स्टेशन पास में वहाँ से भी आ सकते हैं, अगर कहीं आप दूर से हैं, और उसके बाद अयोध्या से भी आ सकते हैं। ऑटो वगैरह कन्वेंस वगैरह सब मिल जाती है यहाँ पर, टैक्सी वगैरह की सुविधा बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट होते हैं वो आते रहते हैं आए दिन। तो आप भी आ सकते हैं यहाँ पर और दर्शन कर सकते हैं सूर्य देव जी का। और इस कुंड का बहुत ही प्राचीन कुंड है, इसका इतिहास मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था जब दूसरा अपडेट दिया था, पहला अपडेट दिया था, तो कुछ इस तरीके से है। और आपको नाइट व्यू का दिखाते हैं किस तरीके से अभी कुंड का निर्माण हुआ है और कितना अच्छा लगता है देखने में रात में। मैं भी सिर्फ सुना हूँ और कहीं जगह थोड़ा सा देखा भी था, बट रियल में भी नहीं देखा हूँ, तो देखता हूँ आज और आपको भी दिखाता हूँ। तो आपने सूर्य कुंड का पूरा ये डेवलपमेंट देखा था जो अभी थोड़ा मैं लाइट में आपको दिखाया था, ये नाइट व्यू है। तो आप देखेंगे यहाँ से पूरा लैंपिंग की गई है, चारों तरफ से आपको पूरा लैंप दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है ये जो स्टेयर आपको दिख रहे थे यहाँ पे पूरी लाइट लगाई गई, बट उसी तरीके से लगाई गई है, बट अभी जल नहीं रहा इस साइड में, सिर्फ एक ही सिंगल जल रहा है। और इधर आप देखेंगे इस साइड पूरा कितने खूबसूरती से इसको बनाया गया है, और रात में जब ये पूरा कम्प्लीट हो जाएगा तभी रात में और अच्छा इसका व्यू आएगा निकल के। तो लैंप आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरती से ये दिखता है, और सूर्य मंदिर अभी उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। इस साइड आप देखेंगे नाइट व्यू जो सूर्य मंदिर का इस साइड में, हमें पहले आप नाम बताइए अपना।
संदीप कुमार। संदीप कुमार किधर से हैं आप? जी हम बिहार से। बिहार से, तो क्या कर रहे हैं आप अभी यहाँ पर, क्या काम मिला आपको? पुट्टी का? पुट्टी का काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, लास्ट वाले कोट चल रहा है। हाँ, देखिए कितना दिन से आप कर रहे हैं? हम लोग अभी हो गया 6-7 महीना। 6-7 महीने। तो जल्दी लिए अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद है। हाँ, तो भाई का नाम जानते हैं। भाई आपका क्या नाम है? और आपका? मेरा जयपाल। अच्छा, चलिए ठीक है सब। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम।